Hi guys, welcome back to my channel. Guys, आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली कुल्फी की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कुल्फी बनाना काफी ज्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए इस टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली कुल्फी की रेसिपी को शुरू करते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ लीटर दूध लिया है, मैंने इसे एक पैन में चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम एक उबाल आने देंगे दूध में। तो देखिए गाइज, दूध में उबाल आ चुका है, फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए रिड्यूस करेंगे। तो हमें दूध को लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये 3/4 नहीं हो जाता। तो आप इसे लगातार ही चलाते रहें, नहीं तो ये उबल कर नीचे गिर जाएगा या फिर तले में लग जाएगा। सो गाइस, लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर ये आप देखेंगे ये 3/4 हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी यूज किया है। इसे मीठा करने के लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसे मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है। अब मैं इसमें इसे डाल दूंगी। इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद ये बहुत तेजी से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। तो कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये होगा कि आप बहुत ही कम दूध के साथ ही बहुत ही रबड़ी वाली अच्छी सी कुल्फी जमा सकते हैं, गाढ़ी सी। इसीलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कुल्फी तैयार करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड फूड कलर लिया है। इसकी कुछ बूंदे हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा एक गुलाबी रंग इसमें आ जाए। तो देखिए, कुछ बूंदे मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छा सा इसमें एक कलर आ जाएगा। तो इसमें हमने कलर तो ऐड कर दिया, अब आती है बात फ्लेवर की। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी एसेंस, जो कि आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसकी भी कुछ बूंदे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसमें आ गया है। आप चाहे तो इसे फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ भी बना सकते हैं। सिंपली आपको सिर्फ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को लेना है और उसे ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में डालकर, और उसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। एंड उस प्यूरी को आपको इसमें ऐड कर देना है, यानी कि दूध और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में। तो देखिए, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक ना करें, तो इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे कुल्फी जमाने के लिए डिस्पोजल वाले कप का यूज किया है, जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास मोल्ड्स हैं तो उसमें भी आप कुल्फी जमा सकते हैं, या फिर आप किसी छोटी ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो कुल्फी का जो हमने बैटर तैयार किया था, अच्छे से ठंडा हो गया है। हम सभी कप्स में अच्छे से फिल कर लेंगे बैटर को। तो देखिए, कुल्फी का बैटर तो अच्छे से कप में मैंने डाल दिया है। अब इन कप्स को अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का यूज कर रही हूँ इसे कवर करने के लिए। इन कप्स को कवर करने के दो रीजन है। एक तो इसमें बर्फ के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे इस तरह से कवर करने से। दूसरा, हम इसमें जब इंसर्ट करेंगे आइसक्रीम स्टिक, तो ये एक जगह पे होल्ड रहेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। इस वजह से इसे कवर करना बेहद ज़रूरी है। तो आइसक्रीम स्टिक्स डालने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से चाकू से होल कर लिया एल्युमिनियम फॉइल्स में ऊपर की ओर, और उसके बाद इसमें इंसर्ट कर दूंगी मैं ये आइसक्रीम स्टिक्स। तो इसी तरह से आप भी डाल दें। तो देखिए गाइस, कुल्फी जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर जब तक कि ये अच्छे से सेट नहीं हो जाती। सो गाइस, इन कुल्फी मोल्ड्स को मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। मैंने इन्हें ओवरनाइट जमने के लिए फ्रीजर में छोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम इसकी जो एल्युमिनियम फॉयल है उसे हटा लेंगे।
इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो अच्छे से कुल्फी जम गई है, बहुत इजली ये डीमोल्ड हो जाएगी। हमें बस एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसमें इस मोल्ड को डिप कर देना है थोड़ी देर। कुछ सेकंड्स में ही अच्छे से किनारे इसके निकल जाएंगे, आप इजली इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए बहुत ईजली कुल्फी हमारी अच्छे से डीमोल्ड हो गई है और बहुत अच्छे से ये जमकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी कुल्फी तैयार हुई है जमकर। तो उसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम सभी कुल्फी को डीमोल्ड कर लेंगे, बहुत ईजली ये मोल्ड से बाहर आ जाएंगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कुल्फी जमकर तैयार हो गई है। तो आप भी इन कुल्फियों को बहुत आसानी से बना सकते हैं घर पे। तो उम्मीद करती हूँ गाइज कि ये कुल्फी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मिल पाएगी मेरे हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो बाय गाइज, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।